आखिरकार काजोल ने वो सीक्रेट खोल दिया जिसकी वजह से उन्हें आए बगाए खूब ट्रोल किया जाता है। लोग अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो काजोल अचानक से इतनी गोरी हो गई। कई लोग ये दावा करते हैं कि काजोल ने गोरा होने के लिए सर्जरी कराई है, तो कईयों का कहना है कि उन्होंने गोरा होने के लिए इंजेक्शंस लिए हैं। काजोल ही नहीं, उनकी बेटी नीसा को भी अक्सर इसी गोरे रंग की वजह से ट्रोल किया जाता है। लेकिन अब काजोल ने अपने गोरे रंग का राज खोला है और बताया है कि वो अचानक से इतनी गोरी कैसे हो गई। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में काजोल ने कहा, मैंने कोई स्किन वाइटनिंग सर्जरी नहीं कराई है, मैं बस धूप में बाहर नहीं जाती हूँ। अपनी जिंदगी के 10 सालों तक मैं हर समय धूप में काम करती रही, जिसकी वजह से मैं सांवली हो गई थी, लेकिन अब मैं वहाँ काम नहीं कर रही हूँ। अब और सूरज में काम नहीं करना, इसलिए मैं अनटैंड हो गई हूँ। ये त्वचा को सफ़ेद करने वाली सर्जरी नहीं है, ये घर पर रहने वाली सर्जरी है। इससे पहले काजोल ने अपनी बेटी न्यासा के गोरे होने का खुलासा किया था। काजोल ने बताया था कि उनकी बेटी न्यासा हफ्ते में 3 बार फेस मास्क अप्लाई करती हैं। वो जिम नहीं बल्कि योग पर फोकस करती है। इसके अलावा वो सुबह उठकर खाली पेट 2 से 3 ग्लास पानी पीती है, साथ ही वो ओटमील, फ्रूट्स और उबले हुए अंडे खाती है। लंच में नीसा उबली हुई सब्जियां, फलियां, ग्रीन सैलेड और रोटी खाना पसंद करती हैं। इसके साथ ही वो डिनर में दाल रोटी सब्जी और सलाद खाती है। अब काजोल ने अपनी और अपनी बेटी के गोरे होने का राज खोल दिया है। वेल, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।